मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑटोकैड में DWG फाइल रिकवर कैसे करते हैं। तो ऑटोकैड का ये वेलकम स्क्रीन है, यहाँ पे आपको ऑटोकैड के मेनू बार पे जाना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नीचे रिकवर का ऑप्शन मिलेगा। आप रिकवर, उसके बाद यहाँ पे ओपन द ड्राइंग रिकवर मैनेजर, यहाँ पे आपको जाना है। ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया ये बैकअप फाइल्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। जब भी आप काम करते हैं ऑटोकैड पे, सॉफ्टवेयर फेल्यूर की वजह से वो ऑटोमेटिकली वहाँ से यहाँ पे नहीं दिखाई देता, तो वो ड्राइंग रिकवरी मैनेजर में चला जाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि अब ये क्रैश हो गया, अभी ये फाइल मिलेगी नहीं, मुझे फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप जो जो भी फाइल आपने सेव किया है वो नाम दिखाएगा। अगर फाइल नहीं सेव किया है वो डिफ़ॉल्ट दिखाएगा, ड्राइंग 1, ड्राइंग 2, जैसे कि आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसे ही। तो यहाँ पे आपको जाना है, उसके बाद जो भी आपको फाइल रिकवर करनी है यहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने न्यू प्लान इसको सेलेक्ट करता हूँ, लोड हो रहा है ये देखिए। इसके बाद यहाँ पे दो फाइल दिखा रहा है, न्यू प्लान डॉट DWG, न्यू प्लान डॉट PAK। तो आपको न्यू प्लान डॉट DWG यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये देखिए नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक पीस का प्रीव्यू दिखा रहा है मुझे। तो आपको यहाँ से डबल क्लिक करना है इसके ऊपर। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ये फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखिए जो मैंने काम कर रहा था, जब भी मेरी फाइल क्रैश हो गई वहाँ पे ही ये वहाँ तक ही ऑटो सेव हो जाएगा और आप इसे रिकवर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आने के बाद इसको क्लोज करना है, उसको इसको क्लोज करके आपको इसको फिर से सेव एज करना है। आप कुछ भी नाम डाल दीजिए, मैंने न्यू प्लान डाला था, मैंने यहाँ पे न्यू प्लान 1 ऐसा कुछ डाल देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। ये देखिए ये प्लान सेव हो गया, फिर से मेनू बार में आ गया। अगर आपको वेलकम स्क्रीन पे नहीं ये ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है, कुछ वर्जन में नहीं होता है, तो आपको अंदर आना है और यहाँ पे ऑटोकैड के मेनू बार पे क्लिक करना है। यहाँ पे ड्राइंग यूटिलिटीज़ का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको रिकवर या फिर ड्राइंग रिकवर मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी फाइल रिकवर कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।